नमस्कार, वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय विषयों को कुछ नए और रोचक तरीके से समझने समझाने की कड़ी के तहत आज एक और बहुत ही दिलचस्प लेकिन बहुत ही जानकारी पूर्ण विषय मुद्दा आपके बीच में हम लेकर आए हैं। इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से अफगानिस्तान और अमेरिका के रिश्ते क्या रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात अभी क्या हैं, खास करके तालिबान के आने के बाद, इन सब चीजों को समझने में हमें काफी मदद मिलेगी। बस आप बने रहिएगा आखिर तक। शुरुआत करते हैं एक तस्वीर के साथ। ये धुंधली सी ग्रुप फोटो जिसमें बीच शख्स है अमान मोहम्मद खलीली, उसके पीछे जो बाइडन भी दिख रहे हैं जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उनके बगल में खड़े हैं जॉन कैरी जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसी फोटो में चक हेगल भी हैं। बैकग्राउंड में आपको अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिख रहा है और बर्फबारी की वजह से तस्वीर साफ नहीं है। चलिए तस्वीर को और इनलार्ज करते हैं, देखते हैं। अब आपको पूरा माहौल दिख रहा होगा जिसमें बर्फबारी जारी है। दरअसल ये तस्वीर है 2008 की, जब तीनों यानी बाइडन, कैरी और हेगल डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर यानी सांसद के तौर पर अफगानिस्तान गए थे, लेकिन बगराम एयरबेस से करीब 150 मील दूर भारी बर्फबारी के बीच उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इलाका सुनसान था और ऐसे में तालिबानी लड़ाकों के हमले का खतरा भी था। फौरन बगराम से एक रेस्क्यू टीम रवाना की गई जिसमें अमेरिकी सेना के लिए एक दुभाषीय यानी इंटरप्रेटेटर अमान मोहम्मद खलीली भी थे। वो चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और भारी बर्फबारी के बीच पहाड़ी रास्तों में घंटों करने के बाद सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सका। यहीं से खलीली ने अमेरिका के दिल में जगह बना ली थी। बाइडेन जैसे कद्दावर सेनेटर को संकट से बचाने वाली टीम का हिस्सा बने तो अमेरिका के विश्वास पात्र बन गए। लेकिन जब 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए नई सरकार यानी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बना ली और कई नामी आतंकी भी मिनिस्टर बन गए, तब से खलीली और उन जैसे अमेरिका के मददगार लोग जान बचाए फिर रहे थे। अमेरिकी सेना तो चली गई लेकिन उसके मददगारों के सिर पर तलवार लटकती रही। अमेरिका ने वादा तो किया था कि वो ऐसे सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकालेगा, लेकिन ये काम पूरी तरह से हुआ नहीं। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी सरकार से जान की सलामती की गुहार लगाई, पर फौरन कोई सुनवाई नहीं हुई। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक बार दिए इंटरव्यू में उन्होंने बार बार कहा था, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, सेव मी एंड डोंट लेफ्ट मी हियर, अर्थात मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन स्की ने कहा था कि वी विल गेट यू आउट, वी विल ऑनर योर सर्विसेज, अर्थात हम आपको बाहर निकालेंगे, हम आपकी सेवाओं को सम्मान देंगे। इसके बाद भी कुछ दिन कुछ नहीं हुआ तो फिर खलीली की पत्नी ने नए सिरे से पहल की और अमेरिकी राष्ट्रपति तक दोबारा अपील पहुंचाई। यहीं से बना खलीली के सेफ रेस्क्यू का प्लान। तारीख आई 5 अक्टूबर 2021 की, जब खलीली अपने परिवार के साथ सड़क के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए, या यूं कहें कि पहुंचाए गए। यहां से एक अमेरिकी जहाज के जरिए उन्हें कतर की राजधानी दोहा गया और अब वो सुरक्षित हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी आई कि आफ्टर 144 hours ऑफ ड्राइविंग डे एंड नाइट एंड गेटिंग थ्रू सो मैनी चेक पॉइंट्स माई फैमिली वॉज सो स्केयर्ड, बट राइट नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेवन एंड हेल वॉज इन अफगानिस्तान, अर्थात 144 घंटे दिन रात गाड़ी से चलने और इतनी चौकियों से गुजरने के बाद मेरा परिवार काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ एक तरह की जन्नत महसूस हो रही है, नरक तो अफगानिस्तान में था। ये अभियान ह्यूमन फर्स्ट कोलेशन नाम के एक एनजीओ के जरिए चलाया गया। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में पीछे उसका लोगो भी दिख रहा है। खलीली के साथ उनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं और ये वीडियो बनाने तक खबर थी कि उन्हें अब अमेरिका का वीज़ा मिलने का इंतज़ार है। हालांकि इसे लेकर भी अमेरिका की आलोचना होती रही, वीज़ा नहीं मिला है तो बाकियों का पूछना ही क्या।
इस तरह एक कहानी का सुखांत हो गया, यानी हैप्पी एंडिंग। लेकिन इसके माध्यम से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों को समझने का एक नया नजरिया, नया पहलू सामने आया है। जैसे अब भी अफगानिस्तान में हजारों लाखों लोग फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, अमेरिका अब भी अफगानिस्तान में इस तरह के गुप्त अभियान चलाने में सक्षम है और ज़रूरत के मुताबिक मदद जुटा ले रहा है। कतर अब भी तालिबान की नई सरकार और दूसरे देशों के बीच एक कड़ी यानी एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान के साथ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका की अनदेखी करना उसके बस की बात नहीं है। और इसी के साथ दुनिया भर में अफगानी शरणार्थियों की तादाद बढ़ती दिख रही है। वैसे सबसे ज्यादा शरणार्थी इस वक्त ईरान में हैं। वैसे ये कहानी तो सिर्फ एक परिवार की है जो कभी अमेरिका का काफी सहयोगी रहा, मददगार रहा, लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान से निकल रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी अफगानिस्तान के जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं, ईरान से लगते हुए, पाकिस्तान से लगते हुए और दूसरे देशों से लगते हुए, वहाँ पर लोग जमे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किस तरह से अफगानिस्तान से निकल सकें। और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी होती जा रही है। UNHCR की एक रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 80% लोगों की तादाद महिला और बच्चों की है। तो इस तरीके से एक तरह से शरणार्थी संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। मौसम कुछ दिनों में और खराब होगा तो इसमें इनकी दिक्कतें और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से इस वीडियो के जरिए हमने अफगानिस्तान के हालात को एक दूसरे, एक नए नजरिए से समझने की कोशिश की। आगे हम इस तरह के वीडियो और लेकर आएंगे और वर्ल्ड व्यू में आप इसी तरीके से आगे भी अपना समय दें और उम्मीद है कि अगला जो वीडियो होगा वो भी आपको इसी तरीके से बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।